गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एसजे ब्लॉग्स। आज कोई इंडिया राइड की राइड नहीं हो रही है। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं इंडिया राइड पे आ गया था हैदराबाद, और आज डेट है 10th of August, 11 को है रक्षाबंधन। मेरे सिस्टर को सबसे बड़ा इशू इस बार यही है कि उसका भाई उसके पास नहीं आ रहा रक्षाबंधन में, तो मैंने सोचा कि चलो यार, क्योंकि हैदराबाद में मेरा दोस्त रहता है, तो वहाँ पर बाइक पार्क करके अपने सिस्टर को सरप्राइज़ दिया जाए। तो अभी सुबह सुबह के 7 बज रहे हैं, मैं यहाँ पर कैब बुक कर रहा हूँ और मेरी फ़्लाइट है 10 बजे के आसपास दिल्ली की। तो यहाँ पर कृष्णा कर रहा है कैब बुक, और कैब वाले नखरे दिखा रहे हैं सुबह सुबह कि हमें भैया कैश चाहिए। आ रहे हो ना? ए, आ रहे हो कैसे सर? क्या पेमेंट मोड कैश आ लेना सर? ऑनलाइन है। ओके आ रहा, आ जाओ। फाइनली आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट्स, मुझे लगता है 5-6 राइड कैंसिल करने के बाद एक बंदे को कॉल किया, उसको बताया कि भाई ऑनलाइन पेमेंट है। उसने बोला कोई भी पेमेंट हो मैं आता हूँ। उसका कॉन्फिडेंस देख के लग रहा है कि वो शायद आ जाएगा। हम लोग लगभग पहुंच गए हैं एयरपोर्ट, और इधर भाई मिले थे मुझे, इनका नाम है पृथ्वीराज भाई। आपने बहुत मतलब बहुत बढ़िया बंदे थे, बहुत मस्त बातें भी हमारी। और अभी यहाँ पर से, क्योंकि मेरी फ़्लाइट है करीब 9:55 की, अभी हो रहा है 8:15, थोड़ा सा मैं लेट हूँ, तो कैमरे को रखता हूँ अंदर, चेक इन और सिक्योरिटी कम्प्लीट करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो आ गए हम हैदराबाद से सीधा दिल्ली, और अब बारी है अपनी बहन को सरप्राइज देने का कि भाई देखो तुम्हारा भाई आ चुका है दिल्ली रक्षाबंधन में, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ऐसा था कि यार रक्षाबंधन में इस बार तुम्हारे हाथ ऐसे खाली खाली रह जाएंगे। इनफैक्ट वीडियो कॉल पे भी ये सब बातें होती थी। देखो यार, सरप्राइज देने में बहुत मेहनत लगता है और बहुत दिमाग भी लगता है, तो मैंने तो पहले सोचा था, क्योंकि मेरे जीजा जी ने और इन सब ने अपना रूम और फ्लैट वगैरह सब कुछ चेंज कर लिया था। ये पहले रहते थे गुड़गांव में और अभी चले गए हैं नोएडा। तो जब गुड़गांव में रहते थे तो जाना बहुत इजी था, एनी टाइम मैं जा सकता था, क्योंकि वहाँ की गार्ड्स वगैरह एंट्रेंस वगैरह मुझे पता था कि कैसे एंट्री लेना। एक तो नया फ्लैट था इनका और सोसाइटी था, तो इसमें क्या सीन है कि भाई सबसे पहले आपसे घर वालों से अप्रूव लेंगे कि भाई कोई मिलने आया है, तो फिर सरप्राइज़ तो सरप्राइज़ ही नहीं रहता। तो मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, मैंने जीजा जी को बता दिया कि जीजा जी ऐसा ऐसा है कि हम सरप्राइज़ देने आ रहे हैं। तो जीजा जी हमारे साथ हैं यहाँ पर, और कैब को पैसा भी बच गया। खैर बात यह है कि दीदी को बोला गया है कि जैसे मैं गोलू मतलब शुभम का कोई कुरियर है जिसको लेने के लिए जीजा जी आए हैं इधर गुड़गांव, ये बोला गया। एयरपोर्ट एयरपोर्ट एयरपोर्ट, अच्छा एयरपोर्ट बोला गया। अरे एयरपोर्ट बोल दिया ऐसा? नहीं तो 1 बजे फ्लाइट था आपके फ्रेंड का,
अरे जीजा जी लगता है गड़बड़ा दिए। नहीं 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 पता, बिल्कुल बिल्कुल आइडिया नहीं है। चलो बाकी जो होगा वो तो देख लेंगे। आप बताइए, आपने कभी ऐसे किसी को सरप्राइज दिया? दिया पापा मम्मी मम्मी को दिया था, उसके बाद फिर पापा मम्मी ने पापा ने बहुत डांट लगाया कि ये क्या तरीका है, बिना बताए हुए वापस ये घर पहुंच रहे हो, कुछ रास्ते में हो जाएगा तो ये थोड़ा देखो थोड़ा अनसेफ है, इसीलिए किसी ना किसी को, जैसे मेरी मम्मी को पता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे पापा को पता है, बस सिस्टर को जिसको सरप्राइज देना है उसको मत बताओ, बाकी एक दो लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि भाई पता नहीं है ना कुछ हो जाए। बाकी गर्लफ्रेंड्स वगैरह को नहीं दिया सरप्राइज? नहीं। दिया भी होगा तो थोड़ी बताएंगे हम। कुछ दिनों के लिए दिल्ली को छोड़कर क्या गए, दिल्ली में तो एक मस्त सा टनल बन गया भाई। करीब 2.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम लगभग पहुंच गए हैं, लेकिन इन बिटवीन थोड़ा सा सो भी गया था मैं। अभी यहाँ पे हमारा मैं थोड़ा फलूदा खाया जाए, तो यहाँ पे फलूदा हमारा तैयार हो गया है। हमारा नहीं मतलब फलूदा आ गया है। कैसा है? बढ़िया। तो हम लगभग पहुंच गए हैं और बस अब कुछ ही देर में वो घड़ी आएगी जब मैं सरप्राइज दूंगा उसको, और देखते हैं क्या है उसका रिएक्शन रहता है। मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि मतलब ऐसा तो नहीं होगा उसको फ़र्क नहीं पड़े कि यार तुम कहाँ से आए। देखते इसमें सो गए क्या? जीजा जी को वहाँ छुपा दिया मैंने, दरवाजा मैं खोलूंगा मतलब। तो यहाँ पे अभी हम यहाँ पर आ गए हैं और क्या रिएक्शन भी रिकॉर्ड हो गया, बहुत अच्छा लगा इधर। बहुत करीब 1 महीने के बाद इधर आया हूँ मैं। अब मिलते हैं सुग्गी से। इधर है सुग्गी। ए सुग्गी, सुग्गी, ए सुग्गी, ए सुग्गी, ए गुड मॉर्निंग, ए सुग्गी, ए कौन है आप, कौन है आप? तो सुग्गी से मिलने के बाद अब वो काम करते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे, रक्षाबंधन के लिए हम यहाँ पर आए थे। रक्षाबंधन का आज दिन है, नहा वहा के सब कुछ सबको इस रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। इधर मेरी सिस्टर तैयार हो रही है और इधर सिस्टर के काम करने वाले जीजा जी बैंक अकाउंट तो वो भी रेडी है। चश्मा भी आए
रांची में मैं जा नहीं पाया। और एक छोटा सा ये वीडियो था, आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये लोग अभी आपने देखा, ये लोग भी रिकॉर्ड कर रहे थे। इन लोगों का भी एक चैनल है, इन लोगों ने अपना चैनल बनाया है अभी राखी व्लॉग्स के नाम से, जिसका लिंक आई बटन में आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो के एंड में भी आएगा, तो उसको आपको सब्सक्राइब करना है। ये लोग वीडियोज बनाते हैं अपने घर के, और मुझे मैं बताऊँ तो सबसे ज्यादा बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो मेरी सिस्टर है, ये सुगी है, तो इसको देखने में मज़ा आता है, और इनका कंटेंट मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आता है देख के। तो आप भी इनको सब्सक्राइब कीजिए। और जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया था, तो जो सबसे ज़्यादा किसी ने अगर मोटिवेट किया था तो मेरी सिस्टर है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था कि हाँ तुम करो, करते रहो, कुछ ना कुछ एक दिन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो आज मेरी बारी है इसको यही गिफ्ट भी देना था हैदराबाद से इधर आके, कि लोगों को बताना था ये तीन पार्टी बहुत मेहनत कर रहा है। तीन पार्टी, ढाई पार्टी है, तीन पार्टी नहीं, ढाई है, हाँ पार्टी है। हाँ। तो इनको भी आप सब्सक्राइब करो और जाके बताना कि हाँ ऐसे देख के, तो इनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी राखी व्लॉग्स सजेशंस बिल्कुल दो, ताकि हाँ। हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सके। हाँ, और कमेंट्स बहुत चाहिए हमें, कमेंट्स आते ही नहीं, कमेंट्स चाहिए। हाँ, कमेंट्स करना, जितने भी मेरे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, प्लीज इनके भी अच्छे अच्छे दोस्त बन जाओ। तो भाई आप सभी को हमारे तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन बहुत अच्छा रहा, और ये ब्रेसलेट मुझे गिफ्ट में मिला है रक्षाबंधन में, इसको कुछ दिन नहीं, हमेशा ही पहनूंगा मतलब। तो आप सभी को हमारे तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। अभी मैं हैदराबाद से आ गया हूँ दिल्ली, लेकिन मेरी बाइक हैदराबाद में ही है, इसका मतलब है कि मैं राइड छोड़कर नहीं आया, बस ये सरप्राइज़ देने आना था तो इधर आ गया। और दिल्ली में एक दो काम भी है। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मेरा जो बाइक का फ़ोन माउंट है वो टूट गया है, तो वो यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। और भी एक दो चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ से लेकर जाना है। बाकी मेरा जो फ्लाइट है नेक्स्ट वीक है 17th को, मैं यहाँ से दिल्ली से हैदराबाद जाऊँगा, और वहाँ से फिर राइड कंटिन्यू रहेगी, इंडिया राइड। आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे और मेरे सिस्टर के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इतना वीडियो देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फेसबुक पर पहली बार देख रहे हो तो फॉलो कर सकते हो, और फेसबुक से अपना यूट्यूब खोलकर अभी राखी ब्लॉग सर्च करके उनको सब्सक्राइब कर लेना मेरे तरफ से, और आप सभी के तरफ से उसको रक्षाबंधन का एक गिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वो मेरी बहन है तो आप लोगों की भी बहन है। मिलता है गाइस बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अभी अगर एक दो दिन दिल्ली में कुछ मिला तो उसके साथ, नहीं तो फिर सीधा हैदराबाद में।